Hello everyone. So today we are going to do question number 16 of adjustment and financial statements. ठीक है, final accounts के जो adjustment वाला chapter है उसका question number 16 करने जा रहे हैं. 15 तक हमने सारे questions कर लिए हैं and now we are moving for question number 16. Page number है 20.77. ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल पहले बनाएंगे फिर बैलेंस शीट बनाएंगे. इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहली चीज जो है, जो सबसे पहला चेंज है वो क्या है कि इसमें आपका परचेज एडजस्टेड दिया है. 11th क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, एडजस्टेड परचेज दिया था. उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, वो इसका मतलब है कि ऑलरेडी एडजस्ट करके दे दिया परचेज में, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना है. ठीक है, आप क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाएंगे, सीधे बैलेंस शीट के एसेट में. आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहां पर ट्रेडिंग में नहीं दिखाना है. सो लेट्स स्टार्ट, सीधे सीधे टू परचेज पे आएंगे हम. परचेज कितना है मैं एडजस्टमेंट विद द टाइम जैसे जैसे आएगा वैसे डिस्कस कर लूंगी. 2,90,000 का परचेज है, 2,90,000 का परचेज है. अब मैंने इसको अंदर क्यों रखा है अमाउंट को, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड. वो क्या है, वो ये है आपका फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट. देखिए, स्टॉक ऑफ रुपीज 1500 वॉज टेकन बाय अशोक फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी 1500 रुपए का स्टॉक जो है वो पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया था. ठीक है, अभी एडजस्टमेंट में दिया है, इसका मतलब ये स्टॉक अभी हमने एडजस्ट नहीं किया था जो उसने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया था. ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस. पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग्स बोलते हैं. ठीक है, तो हम इसमें से ये 1500 क्योंकि उन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया था, गुड्स निकाला था, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्लियर है यहां तक बात? तो ये आएगा आपका 288,500. ठीक बात. अब इसके बाद परचेज हो गया और क्या दिया है ट्रेडिंग में जाने के लिए, ट्रेडिंग में जाने के लिए वेजेस दिया है. ठीक है, वेजेस, वेजेस है 10,000, वेजेस है 10,000. ओके, और फिर सेल्स दिया है, सेल्स है 529,500, 529,500. ठीक है, एक और चीज है जो आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि वो ट्रेडिंग में जाएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस. ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो उसका मतलब ये होता कि वो वेजेस अभी दिए नहीं गए हैं और उसको यहां पर एडजस्ट करना है, मतलब एड करना है वेजेस में. ठीक है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां दिया है आपके क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया. जब भी कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दी जाती है तो उसका हमें दो जगह कोई भी काम नहीं करना होता है. मैंने जब शुरुआत की थी तो ये बताया था कि अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में दिया है तो उसका इफेक्ट मिनिमम दो जगह तो आएगा ही आएगा, है ना. लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, इसका मतलब ये है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, इसका मतलब ये कि वो ऑलरेडी इस वेज को एडजस्ट कर चुके हैं, तो वो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है आपका कहां जाएगा, लाइबिलिटीज में. क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लाइबिलिटी होती है. आउटस्टैंडिंग यानी आपका देना बाकी है, तो ये बात ध्यान रखना है. अगर कुछ भी आउटस्टैंडिंग या कुछ भी प्रीपेड क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ठीक है, इन द बॉक्स ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस, तो आपको वो चीज आउटस्टैंडिंग होगी तो लाइबिलिटी में, प्रीपेड है तो एसेट में जाएगा. ठीक है, सिंपल लॉजिक क्या है कि जो चीज आपको देना बाकी है, अगर कुछ आपको चुकाना बाकी है तो वो लाइबिलिटी है आपके लिए. आउटस्टैंडिंग क्या होता है, चुकाना बाकी है. आउटस्टैंडिंग वेजेस वेज अभी देना बाकी है, और प्रीपेड यानी आपने कुछ पैसा पहले दे दिया है, आपको सर्विस मिलना बाकी है. तो जो चीज अगर मिलना बाकी है वो क्या हो गया, वो एसेट हो गया. ये बात को ध्यान रखना है. तो अभी हमने ट्रेडिंग में सब कुछ कर लिया है, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है क्वेश्चन में वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो हम यहां पर एड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में. तो बस कितनी चीजें जाएंगी ट्रेडिंग में, और हमें क्या निकाल लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं फटाफट, कैलकुलेट करेंगे.
कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ इट, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड अगर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, दैट इज 2,31,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ठीक, यहां पर कैरेट डाउन लिखते हैं और यहां पर फिर यहां से उतारा जाता है तो इसलिए लिखते हैं ब्रॉड डाउन। क्लियर, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ गया, यहां तक ठीक बात है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ट्रेडिंग हो गया, हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, अब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। सैलरी, सबसे पहले सैलरीज दिया है तो सैलरीज देख लेते हैं क्या है। टू सैलरीज कितना दिया है, 5,000। ठीक, 5,000 के बाद पहला एडजस्टमेंट देखिए जो सैलरी से रिलेटेड है, क्या है, सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 ऑफ 1,000 पर अनपेड। अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब दिया नहीं गया है, चुकाना बाकी है। अब ये जो आपका आउटस्टैंडिंग है ये एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया है, तो एडजस्टमेंट में दिया तो हम यहां पर एड करेंगे। ठीक है, अनपेड लिख सकते हो आप, आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिखोगे दैट विल बी राइट, अनपेड या आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। तो सैलरी 1,000 रुपए अभी चुकाना बाकी है तो कितना हो गया, 6,000। ठीक है, अभी इसके आगे एक और चीज है उसमें, विच आर टू बी प्रोवाइड बैलेंस इन द अकाउंट इंक्लूडेड 800 पेड इन एडवांस। तो सैलरी का जो अकाउंट बैलेंस था, जो मतलब सैलरी जो हमने निकाल के रखी कितनी सैलरी देनी है, उसमें पता चला कि 800 रुपए एडवांस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो एडवांस जो दिए होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं। आप प्रीपेड या एडवांस कुछ भी लिख सकते हो, और प्रीपेड को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ आ गई, हमने दोनों ये काम करे, पहले एडजस्टमेंट वाले, ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट का अनपेड और प्रीपेड दोनों काम हमने कर लिया। ये जब भी एडजस्टमेंट होता है तो मैंने क्या बोला था, दो जगह तो जाएगी चीजें, पहली जगह यहां जा रही है और दूसरी जगह कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये हो गया सैलरी से रिलेटेड। नेक्स्ट, सैलरी के बाद आता है बैड डेट्स, लेट्स सी बैड डेट्स। टू बैड डेट्स कितना है, 2,000। एडजस्टमेंट में लिखा है कि प्रोवाइड 10% प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। ठीक है, आपको 10% प्रोविजन किसके लिए प्रोवाइड करना है, सन्ड्री डेटर्स के लिए, जो भी डेटर्स हैं उनके लिए आपको प्रोविजन प्रोवाइड करना। दिस वॉज योर लास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 10% ऑफ सन्ड्री डेटर्स, इक्वल टू 10% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। आपके सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं 25,000, तो इसका 10% हो जाएगा आपका प्रोविजन। ठीक है, इसका 10% आप क्या करेंगे, प्रोविजन यानी 2,500। ठीक है, तो बैड डेट्स में बैड डेट्स 2,000 दिया है, प्लस क्या करते हैं हम लोग, प्रोविजन ऑन बैड डेट्स को प्लस कर देते हैं, तो हमने प्रोविजन को यहां पर प्लस कर दिया। बात समझ आ गई, हमने प्रोविजन को क्या किया, प्लस कर दिया। क्लियर, बैड डेट्स के बाद आता है रेंट, रेंट एज इट इज है, रेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो रेंट इज 5,000, देन फिर से प्रीपेड रेंट दिया है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है और प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब एसेट होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो हमें यहां ऐड करने की जरूरत या यहां सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ट्रायल बैलेंस के एसेट साइड में दिखाएंगे, सॉरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है शायद, 5,000 का इंश्योरेंस है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कट कर रही हूं, फिर से स्पेस कम पड़ेगा वरना मुझे, इंश्योरेंस आपका 5,000 का है, ओके, और इसमें प्रीपेड है 2,000, तो प्रीपेड जो होता है ये एडजस्टमेंट में लिखा है, जो मैंने अभी बोला कि प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 2,000, तो 2,000 को हम माइनस कर देंगे। जो चीज एडजस्टमेंट में दिया है उसका इफेक्ट यहां पर दिखाना है,
लेकिन जो खाली ट्रायल बैलेंस पे दिया उसका इफेक्ट नहीं दिखाना है। तो ये हो गया आपका 3000, ठीक है। देन फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग में चला गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस फिर से वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, आउटस्टैंडिंग तो हम कहां लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्रोविजन इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी, ठीक है, प्रोविजन लाइबिलिटी होता है। अगर एडजस्टमेंट में हमें कोई प्रोविजन क्रिएट करना होता तो हमें फिर वो दो जगह पर दिखाना पड़ता, लेकिन ये ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोविजन की बात हो रही है तो हम इसको भी सीधे कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। ओके, देन अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम जो है ना वो 500 है। अप्रेंटिस मतलब प्रैक्टिस कुछ, तो अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का जो प्रीमियम है वो मिला है। और ये क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में होने का मतलब क्या है कि वो इनकम है, ठीक है। क्रेडिट साइड में होने का मतलब वो इनकम है, तो इनकम को क्या करेंगे, हम भी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर। बस ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। अब हम एक बार फिर से एक नजर दौड़ाएंगे एडजस्टमेंट पर कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। पहला एडजस्टमेंट सैलरीज वाला हो गया, इंश्योरेंस वाला हो गया, डेप्रिसिएशन बाकी है, हम डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। टू डेप्रिसिएशन, दो पर है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एक तो फर्नीचर पर है 10%, फर्नीचर आपका 60,000 है उस पर डेप्रिसिएशन देना है तो 6,000 डेप्रिसिएशन हो गया, क्लियर। और दूसरा है बिल्डिंग पर, बिल्डिंग आपका 1,50,000 है और उसका 5% डेप्रिसिएशन देना है, ठीक है, ये आपका एडजस्टमेंट है बिल्डिंग पे 5%, तो वो आएगा आपका 7,500, क्लियर है। फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है तो 60,000 का फर्नीचर है, 60,000 का 10% कितना आएगा, 6,000, और बिल्डिंग 1,50,000 है उसका 5% डेप्रिसिएशन लगाना है तो 5% कितना आएगा, 7,500। ओके, तो हमने डेप्रिसिएशन भी कर लिया और हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्विकली फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, वी विल क्विकली फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। जैसा कि हमें दिख रहा है हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ये है, तो अब हम मूव ऑन करेंगे फटाक से कि हम नेट प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है। सो इधर का टोटल करते हैं, ये टोटल तो हमें मालूम चल गया है, हम इधर का टोटल कर लेते हैं, 5200 प्लस 4500 प्लस 5000 एंड 3000 8000 देन 6000 प्लस 7500, सो दिस इज, इधर का टोटल आ रहा है 31200 और इसमें से हम ये इसको माइनस करेंगे 31200 को 231500 से, तो ये आपका आ रहा है 2,300। तो नेट प्रॉफिट इज 2, नेट प्रॉफिट ठीक है कितना 2,300, क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये हमने क्या निकाल लिया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, बस जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दिया इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है, जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है वो एक जगह ही जाएगी और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड अनअक्रूड ये सब बैलेंस शीट में जाएगा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है, मतलब कहीं एक जगह जानी है तो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फॉर विद द बैलेंस शीट, ये हो गया, हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, कितना नेट प्रॉफिट है हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि हमें आगे बैलेंस शीट बनाने में इजी होगा, ठीक। तो नाउ मूविंग टू बैलेंस शीट, ये थोड़ा सा ये फॉर्मेट बदल जाएगा आपका, और अब हम बैलेंस शीट की तरफ आगे बढ़ेंगे। बैलेंस शीट पूरा आप लोग को लिखना होगा कि बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है वो सब कुछ किस डेट पर बनेगा वो सब आपको लिखना होगा, ठीक है। इधर लाइबिलिटीज, इधर एसेट्स, ऑल राइट। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा,
कितना है कैपिटल देख लेते हैं. सो कैपिटल इज 30,000. तो कैपिटल कितना है 30,000 प्लस नेट प्रॉफिट हमने लिख लिया था उधर 200300. तो इसको तो प्लस करेंगे ही करेंगे. इसके बाद इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करना है. ड्रॉइंग्स कितना दिया है, तो ड्रॉइंग्स दिया है आपका 5,000. ठीक है, ये 5,000 है. लेकिन क्या सिर्फ इतना ही ड्रॉइंग्स है? नहीं. कौन सा? जो उसने एडजस्टमेंट में जो दिया था कि पर्सनल यूज के लिए उसने 1,500 रुपए के सामान निकाले, वो भी ड्रॉइंग्स है. ठीक है, और वो पहले से ड्रॉइंग्स में इंक्लूड नहीं था, तभी एडजस्टमेंट में लिखा है उन्होंने, तो ये भी आपका ड्रॉइंग्स में एड हो जाएगा. ठीक, तो ये आपका अब अमाउंट ड्रॉइंग्स का आया. 5,000 ऑलरेडी दिया है, 1,500 एडजस्टमेंट में है, तो ये आपको अब माइनस करना है. ड्रॉइंग्स माइनस करिए, कितना आया ड्रॉइंग्स माइनस करने के बाद 223,800. ठीक, अब हम लाइबिलिटी साइड को फिनिश ही कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है. आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटीज में जाएगा. कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस? 8,000. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. देखो, प्रोविजन होती तो लाइबिलिटी है. ठीक है, आप लोग डाल सकते हो लाइबिलिटी में, लेकिन यहां पे एक खास तौर पे जब हमें बताया जाए कि ये प्रोविजन इस पर्पज के लिए बना है, तो आप उस प्रोविजन को क्या करोगे, आप उसी पर्पज में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. जैसे जब हम प्रोविजन ऑन डेटर्स करते हैं तो हम डेटर्स में से माइनस कर देते हैं ना प्रोविजन को, वैसे ही हम अगर फर्नीचर के डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बना है तो हम फर्नीचर में से उसको माइनस कर देंगे. होती वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में डालना भी गलत नहीं होगा, लेकिन आंसर आपका जैसे भी दिया हो, आप उसको अगर वो पर्पस दिया हुआ है कि ये प्रोविजन फर्नीचर से डेप्रिसिएशन के लिए, तो फर्नीचर में से सब्ट्रैक्ट कर देना उसको. ठीक है, तो इसलिए ये प्रोविजन हम लाइबिलिटीज में डाल के फर्नीचर में सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, देन क्रेडिटर्स. ये है आपका 20,000. ठीक है, ये हमने लाइबिलिटीज हाइड कर लिया. डेबिट इस पे आते हैं, एसेट साइड पे. बिल्डिंग, बिल्डिंग था 1,50,000 और इसमें से हमने डेप्रिसिएशन दिया कितना 7,500. ठीक है, इसमें से हमने कितना डेप्रिसिएशन दिया 7,500, तो ये आया 142,500. ठीक बात. अब बिल्डिंग के बाद रेंट, प्रीपेड रेंट. बिल्डिंग के बाद आया आपका प्रीपेड रेंट, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है. जो ट्रायल बैलेंस में, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्रीपेड इज एसेट, आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी. सो प्रीपेड 3,000. देन फर्नीचर. अब देखो, ये फर्नीचर आ गया, फर्नीचर पे 60,000 अमाउंट है. ठीक है, क्लियर. एक डेप्रिसिएशन आपका है 6,000 का, है ना, एक डेप्रिसिएशन आपका 6,000 का है, और दूसरा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो उसको भी अभी हमने कहीं नहीं डाला है, हमने कहीं नहीं डाला है. हम यहां पर ही क्या करेंगे, इसी डेप्रिसिएशन में उस प्रोविजन को भी एड कर देंगे. ठीक है, उस प्रोविजन को भी ऐड कर देंगे और दोनों को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. आई बात समझ में, कि जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 6,000 और जो पहले से बनाया हुआ प्रोविजन है डेप्रिसिएशन के लिए, उन दोनों को हम एक ही उसमें ऐड कर देंगे. आप इसको लिख के ऐड करना, कि लो मैं लिख देती हूं, माइनस डेप्रिसिएशन 6,000, तो ये हो गया आपका 54,000, एंड माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ठीक है, दैट इज 12,000. तो ये आपका हो गया कितना, 42,000. क्लियर है. देन
डेटर्स, अब डेटर्स पे आ जाते हैं, डेटर्स है आपका 25,000 और इसमें आपको ये जो प्रोविजन आपने एडजस्टमेंट में जो प्रोविजन दिया था वो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। कितना प्रोविजन निकाला था आपने, 25,000 का 10% निकाला था ना, तो वो कितना आया, 2,500 आया था, तो वो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया 22,500। अब डेटर्स के बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स के बाद है क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना है, ये है 40,000। अब एक बार एडजस्टमेंट चेक कर लें कि कुछ छूट रहा है क्या। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है उसमें सैलरी था, ठीक है, सैलरी में 1,000 तो अनपेड है, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी कहां आएगी, लाइबिलिटी में, क्लियर, 1,000। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक मैं नीचे लिख रही हूं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जनरली लास्ट में होना चाहिए, तो अगर बीच में कुछ और आना होगा तो वो आ जाएगा। तो सैलरी में जो अनपेड है, जो आउटस्टैंडिंग है, वो लाइबिलिटी हो गई, और उसी सैलरी में 800 रुपए एडवांस है, तो जो एडवांस है वो क्या हो गया, वो एसेट हो गया, है ना। आपने एडवांस में सैलरी दे दी, वो क्या हो गया, वो एसेट हो गया, तो एडवांस सैलरी कितना है, 800। तो ये था पहला एडजस्टमेंट, क्लियर। सेकेंड एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड फिर से क्या हो जाएगा, प्रीपेड एसेट होता है, ठीक है, एडवांस सैलरी दी है, प्रीपेड यानी पहले पैसा दिया है, तो आपने जो काम पहले दे दिया है ना वो आपके लिए एसेट हो गया, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस आपने कर दिया है तो ये आपका एसेट है, ठीक है, 2000 का। देन डेप्रिसिएशन हो गया, स्टॉक हो गया, डाउटफुल डेट्स हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमने सारा कुछ कर लिया है, नाउ वी शुड टोटल कि भाई बैलेंस शीट कितना कितना टोटल आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें टोटल करना है, ठीक है। फटाफट से हम टोटल कर लेते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट, सॉरी लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड को। तो ये मेरा टोटल आ रहा है 252,800 लायबिलिटी इसका, ठीक है, एंड एसेट का भी देख लेते हैं। बिल्कुल सही, अभी उतना ही आ रहा है, 252,800। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 16। अगर समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू।